और नमस्ते प्रणाम। और मासूम जी इफेक्ट टीम की तरफ से आप सभी को एक खास इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। लेट हुआ और आप जाके आप देख सकते हो कि माही मनीषा के लेकर काफ़ी यूट्यूबर लोग ने टचर कर रहे हैं। तो सच्चाई जानना है तो उनके ऑफिशियल चैनल पर जाएं, माही मनीषा ऑफिशियल चैनल पर जाएं और जाने इस चीज़ को क्या सही है क्या गलत और है। बहुत लोग बिना जाने समझे उनको अफवाह में उड़ा रहे हैं और ये गलत बात है। माही मनीषा ऐसा गलती कर ही नहीं सकती है क्योंकि उन लोग के बारे में हम लोग बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं और हम लोग हमेशा उनके टचअप में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और आप लोग लाइव वीडियो सुन भी सकते हैं, अपने चैनल पर डाली हुई है और सुनाने का प्रयास भी करेंगे। तो गाइस होता क्या है, देखिए एक दिन के तो प्रोग्राम है नहीं उन लोग का, और माही मनीषा जी एक दिन के प्रोग्राम लोग कर नहीं रहे हैं कि एक दिन आया नहीं करे चल पैसा ले ले छोड़ दिए। उन लोग रेगुलर वही काम है, तो कोई अगर रेगुलर कोई काम करना चाहता है तो ऐसा कोई कर नहीं सकता है। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को लाइव में सुनाऊँ उनका वॉइस, और जो ऑर्गेनाइज किए थे जिनके संपर्क से, मतलब जो वो प्रखंड पहले बोले हुए थे कि 12 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट करना है, ठीक है, लेकिन उनका गलती नहीं है। माही मनीषा तो 12 बजे पहुंची ही स्टेज पे, लेकिन पब्लिक को यहाँ पे गुमराह किया जा रहा था कि प्रोग्राम 7 बजे से ही स्टार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए पब्लिक के आक्रोश में आकर के बहुत सारा भीड़ जमा हो चुका था, लमसम 1.5 लाख के करीब में पब्लिक आ चुकी थी। तो वही आक्रोश हुआ और वही अंजाम हुआ हाँ, तो यही चीज़ का घटना। आपको समझना पड़ेगा कि कोई ऐसा गलती कर नहीं सकता भाई मेरे। आप जाकर उनके चैनल पर देख सकते हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको लाइव दिखाने के लिए। देखिए वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज हुआ था कि 7 बजे तक, 7 बजे से मतलब 12 बजे तक लमसम चलेगा लाइव सिंगिंग प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद से माही मनीषा की एंट्री कराया जाएगा, समझिए। इसकी वजह से मतलब उन्होंने, मतलब माही मनीषा के प्रोग्राम 2 से 3 दिन तक मधुबनी में ही चल रहा था का, मधुबनी में 2 से 3 दिन, होटल में ही रुकी हुई थी हाँ वो लोग, होटल में दो रुकी तीन हुई दिन से थी, होटल में ही थी। हाँ प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा भाई मेरे कि आप सभी लोग उनको टचर नहीं करें और उनका मतलब सपोर्ट करें। आप सभी लोग, आप लोग के ही चलते हो चलते हैं, इस तरह नहीं कि वो अकेले बन गए स्टार, चाहे माई बनी से कुछ भी हो, हम लोग आप लोग मिलकर उनका स्टार बनाए हुए हैं। आप लोग नहीं देखते, आप लोग उनको नहीं सपोर्ट करते, कहाँ से बनते स्टार। तो चलिए उनका थोड़ा मैं वॉइस आपको सुना देता हूँ, जो ऑनलाइन से बात हुआ था, सुन लीजिए आप थोड़ा, ठीक है। आप लोग सुन लीजिए अच्छे से, थोड़ी से बात कीजिए कि राम कुमार भैया अध्यक्ष है। हेलो जी, भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम, कपुआ का अध्यक्ष है जी। बोले थे हम लोग का कितना बजे समय दीजिएगा? 12 बजे के बाद का समय होगा सर आपका। 12 बजे ऐसा करिएगा कि 12 बजे हमारा 12 बजे 11 बजे एंट्री कराइएगा, 3 या 4 बजे होगा। तो 12 बजे करेंगे तो 4 बजे कराइए। मेरा बात सुनो, 9 बजे हम प्रोग्राम शुरू करेंगे अपना सिंगिंग, ठीक है। हाँ 9 बजे से 12 बजे तक हम 3 घंटा खींचेंगे, क्योंकि हम सिंगिंग सबसे फोन बहुत पैसा लगा। 3 घंटे खींचिए, 4 घंटे खींचिए, उस समय को नहीं, मतलब 4 के बाद हम नहीं रुक पाएंगे। बोल रहे हैं जो क्या बोलते हैं, हम 9 बजे से सिंगिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। क्यों? देखिए यही चीज होता है, तो आप लोग समझिए और विशेष और देखने के लिए जाइए माही मनीषा ऑफिशियल पेज पे, जो कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर पूरने वाला है। तो आप लोग जाकर उनको सपोर्ट करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम जान रहे हैं कि लोग अगर टाइम निकाल के जाते हैं कहीं प्रोग्राम देखने के लिए तो आक्रोश होता है। हम लोग भी अगर जाएंगे कहीं प्रोग्राम देखने के लिए और कल कोई चीज़ नहीं होता तो हम लोग को भी दुख होता है कि चला ऐसा टाइम यहाँ वेस्ट हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस आप सभी अपने घर का ख्याल रखें, इस चीज़ को जानते हुए समझते हुए आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि माही मनीषा जी का सपोर्ट करें। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि क्या सच्चाई क्या है और अफवाह क्या है। तो मेरे पूरे टीम की तरफ से, मासूम जेएफएक्स टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।